विश्व को पहला गणतंत्र देने वाला बिहार का राजनीतिक छवि अब एकदम से धूमिल होता जा रहा है, जिसके पीछे की वजह है वहां की राजनीतिक उठापटक। और इसके पीछे सबसे बड़ा इंसान अगर कोई है तो बिहार के नवी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने पिछले एक दशक के अंदर विपक्ष को बदला है सिर्फ, जिसका मतलब ये है कि वो कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो कभी जाकर के आरजेडी के खेमे में बैठ जाते हैं, और हर बार एक उतर्क देते हैं कि गठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा था, बिहार के विकास को नहीं माना जा रहा था, बिहार की विकास नहीं हो रही थी, अब हम अपने नए साथी के साथ बिहार की राजनीति को, बिहार के भविष्य को खूब चमकाएंगे। लेकिन होता यह है कि आने वाले 2.5 साल के अंदर या फिर 16 महीने के अंदर वो फिर से अपनी बाजी को पलट देते हैं। माना जाता है कि वो सिर्फ मौसम को नहीं पहचानते हैं, वो राजनीति की मौसम को बदलने का हुनर रखते हैं। अब इसको हुनर कहें या फिर बिहार का दुर्भाग्य, बिहार की जनता का दुर्भाग्य, बिहार की जनमत का दुर्भाग्य, बिहार की वो जनता जो हर बार अपने वोट देकर के उनको जिताती है और जिसका वो दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहते हैं। अब देखिए ना, कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के दिन शुरू हुई बिहार की राजनीति में महाभारत अब अपने चरम पर है। चरम पर मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल आ गया है। विधानसभा चुनाव 2020 में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसके बाद दोनों की सरकार बनी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और जिसके बाद उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। बिहार अभी स्टेबल ही होना शुरू हुआ था, बिहार में अभी नौकरियां बटनी शुरू हुई थी, पिछले 70 दिनों में करीब 4 लाख नौकरियां दी गई। लेकिन क्या इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने फिर अपना पाला पलटने का फैसला लिया? गैर बीजेपी दलों को एक मंच पर लाने वाले नीतीश के साथ ऐसी क्या घटना घटी कि उन्हें वापस जाकर के बीजेपी की गोद में बैठना? इन सभी सवालों का हम जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि कल बिहार में हुई क्या। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह राजभवन पहुंचते हैं और उनके पॉकेट में 2 पत्र होते हैं। एक पत्र में उनका इस्तीफा होता है तो वही दूसरे पत्र में ये कहा जाता है कि अब वो दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ आज शाम को लेंगे। होता भी यही है, हर बार की तरह वो शाम को एक महफिल सजती है राजभवन में बिहार के, और जहां मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं नौवीं बार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, उन्होंने 9वीं बार बतौर सीएम शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर एनडीए को ज्वाइन कर लिया है। नीतीश कुमार के साथ 8 और अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, इसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बतौर डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ ली है। डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने से पहले सम्राट चौधरी ने बीजेपी को विधायक दल का नेता चुना गया, वहीं विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। इन दोनों के अलावा बीजेपी की तरफ से डॉक्टर प्रेम कुमार, वहीं जदयू की तरफ से विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव और हम की तरफ से संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार के मुंगेर से ताल्लुक रखने वाले सम्राट चौधरी पहले भी बिहार सरकार में मंत्री रहे। सम्राट चौधरी राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे, वह राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार के विधायक रहे, जबकि मां पार्वती भी विधायक रह चुकी। हालांकि 6 साल पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और पिछले साल मार्च में उन्हें बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। वह बिहार विधानसभा परिषद के बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष भी रहे। विजय सुमार सुन्हा की बात करें तो वह बीजेपी जदयू की पूर्ववर्ती सरकार में श्रम मंत्री रहे। वह 2002 में से लखीसराय विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह वर्ष 2020 से 22 तक विधानसभा स्पीकर भी रहे। विजय सिन्हा विधायक बनने से पहले बीजेपी संगठन का काम देखते, उन्हें साल 2000 में बीजेपी YM का प्रदेश प्रभारी भी बनाया गया था। वह बीजेपी के किसान मोर्चा से भी जुड़े। मंत्रियों में संतोष सुमन का नाम भी बेहद खास है, वह पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बेटे हैं और वो फिलहाल हम के विधानसभा सदस्य हैं। वह 2020-22 के बीच एनडीए सरकार में मंत्री रहे थे। बिहार के नवगठित मंत्रियों के समूह में जातिगत समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश जहां कुर्मी समाज से आते हैं तो विजय कुमार चौधरी भूमिहार हैं और श्रवण कुमार भी कुर्मी समाज से आते हैं। दूसरी तरफ निर्दलीय सुमित सिंह राजपूत हैं तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। वहीं विजय कुमार सिन्हा कायस्थ समाज से आते हैं, वहीं संतोष कुमार सुमन अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी।
सौगंध वतन की।